नमस्कार पॉजिटिव भारत सहित मु विकास बुलेटिन आरंभ करबा हेले प्रथमे हेडलाइंस कोविड रो तृतीय लहर पई प्रस्तुत केंद्र सरकार देश रे प्रतिष्ठा हबो 50 मॉड्यूलर हॉस्पिटल कोविड चिकित्सा पई रहिबो समस्त प्रकार अत्याधुनिक सुविधा 3 मास मध्ये रे शेष हबो निर्माण कार्य लोकंको सुरक्षित रखुची कोरोना टीकार गोटिए डोज नेथिबा व्यक्तिंकु 98% संक्रमणर विपद नाही। चंडीगढ़ रो पीजीआई अध्ययनरु हेला बड़ खुलासा, देशर अन्य बड़ हॉस्पिटल ले रिसर्च आरंभ। शिशुंक पई नुआ गाइडलाइन जारी कला आयुष मंत्रालय, मास्क पिंधिबा, योगासन, आयुर्वेद उपचार उपरे गुरुत्व, कोविड 19 रो 5टी लक्षण प्रति दृष्टि देवाकु परामर्श, पितामातांको टीकाकरणकु गुरुत्वारोप। देशरे तळमुहा कोरोना संक्रमण 72 दिनरे सर्वनिम्न स्तररे चिन्हट, आक्रांतक संख्या दिनकरे 70421 नुआ केस, देशरे साप्ताहिक पॉजिटिविटी हार 4.54%, आरोग्य हार 95.43%। एवं आजिठ अनलॉक हेला दिल्ली राजधानी रे खोलिला मॉल, रेस्तोरा और जिम, सरकारी ऑफिस रे 100% ग्रुप ए कर्मचारी को आसीबा को अनुमति, 50% क्षमता सहित गढ़िला मेट्रो एवं बस सेवा, सेपटे उत्तराखंड स्थानीय लोकों को चारिधाम पाई मिलिला अनुमति। आसवा संपूर्ण खबर को, देश में दिनक दिन कमुची कोविड संक्रमण मामला, लगातार षष्ठ दिन पई दैनिक नूतन संक्रमितों संख्या लक्षे तले रही, 80,000 तलकु खसी आसी गत 72 दिन मध्य सर्वनिम्न स्तर में पहुंची कोविड आक्रांतों संख्या। गत 24 घंटा भितर देश में 70,421 नुआ आक्रांत चिन्हट होती, एथस 1,19,501 जन आक्रांत सुस्थ होता सूचना रही। गत 66 दिन पर देश में आक्टिव केस लोड 10 लक्ष तलकु खसी, देश में वर्तमान आक्टिव केस लोड 9,63,158 रही। देश में वर्तमान साप्ताहिक पॉजिटिविटी हार 4.54% रही, दैनिक पॉजिटिविटी हार 4.72% रही। क्रमगत भावे गत 21 दिन धरी दैनिक पॉजिटिविटी हार 10% तले रही आसुची, सेपटे देश में आरोग्य हार 95.43% को वृद्धि पाई। एथस देश में 25,48,49,301 जन को टीकाकरण होता सूचना रही, से 20 कोटी रु अधिक हिताधिकारी प्रथम डोज टीका नहीं केन्द्र स्वास्थ्य मंत्रालय पक्ष क। कोविड्रु 100% सुरक्षा दे पार आमेरिकन कंपानी नोभावैक्स प्रस्तुत कोविड टीका NVX-CoV-2373 सोमवार दिन यह प्रकाश करिसेंती यहार निर्माता माने। एही टीका मध्यम धरणर अति गुरुतर रोगी देहरे 90% रु अधिक प्रभावशाली थिबा कंपानी तरफ दावी करा जाउछि। यहार तृतीय पर्याय क्लिनिकल ट्रायल रु एही फल मिलिथिबा जणापडिछि। नोभावैक्स रो NVX-CoV-2373 कोविड टीका रिकमिनांट नानो पार्टिकल प्रोटीन बेस होइतिबारु एहा अधिक सुरक्षित एवं फलप्रद होई पारिछि। तबे भारत पई खुशीर खबर एहा, एहा पुनेर सीरम इंस्टिट्यूट एही टीका को देशरे उत्पादन पई लाइसेंस मध्य पाई सारिछि, तेणु आगकु भारत रे मध्य एही टीका को सार्वजनिक टीकाकरण रे शामिल करा जिवा नै संभावना रहिछि, जहाँ भारतीयों पई लाभदायक होई पारिबो बोली मध्य चर्चा होउछि। कोविड्र तृतीय लहर पई प्रस्तुत केंद्र सरकार देश में प्रतिष्ठा हबो 50 मॉड्यूलर हॉस्पिटल कोविड चिकित्सा पई रहिबो समस्त प्रकार अत्याधुनिक सुविधा 3 मास मध्ये रे शेष हबो एहार निर्माण कार्य। कोविड्र तृतीय लहर पई प्रस्तुत केंद्र सरकार देश में प्रतिष्ठा हबो 50 टी मॉड्यूलर हॉस्पिटल संप्रसारित स्वास्थ्य केंद्र भाव में कार्य करिबो एही हॉस्पिटल। कोविड चिकित्सा पाई रहिबो समस्त प्रकार अत्याधुनिक सुविधा 3 मास मध्यरे शेष हेबो निर्माण कार्य। हॉस्पिटल रो डिजाइन करिछि माड्रास आईआईटी। जदि आगकु कोविड महामारी रो तृतीय लहर आसे तेबे सेति पाई संपूर्ण प्रस्तुत केंद्र सरकार। एति पाई देशर विभिन्न राज्य रे स्वास्थ्य भित्तिभूमि को दृढ़ करिवार एक योजना करा जाइछि।
एही योजना अनुसार प्रतिष्ठा हेबाकु जाउची 50 टी अत्याधुनिक मॉड्यूलर बा संप्रसारित हॉस्पिटल जहार काम 3 मास मध्यरे शेष करिवार लक्ष्य रखा जायची। पूर्वरु थिबा कोनोची हॉस्पिटल बिल्डिंग निकटरे ही निर्माण हेबो नुआ मॉड्यूलर कोविड हॉस्पिटल जहां मूल हॉस्पिटल रो एक संप्रसारित हॉस्पिटल भाबरे कार्य करिवो। केवल कोविड संक्रमितक पई उच्चर्गीकृत आईसीयू रहिबा सहित हॉस्पिटल गुडी को 100 सज्या विशिष्ट करा जिवो। एति पई 3 कोटी लेखाय अर्थ खर्च हेबा सहित 3 सप्ताह मध्यरे समस्त कार्य शेष हबो एवं आसंता 6-7 सप्ताह मध्यरे एको संपूर्ण कार्यक्षम करा जिवार लक्ष्य रखा जायछि। एही प्रकार हॉस्पिटल रो परिकल्पना करिछंती केंद्र सरकार को प्रमुख विज्ञान परामर्शदाता के विजय राघवन। तबे एही मॉड्यूलर हॉस्पिटल गुड़ी को प्राथमिक भावरे विभिन्न राज्यर सरकारी कोनोसी दातव अनुष्ठान द्वारा प्रतिष्ठित हॉस्पिटल निकटरे प्रतिष्ठा करा जीव बोली जाना पड़ी छी। विशेष करी छोट शहर रे तिबा कोविड हॉस्पिटल रे एक संप्रसारित स्वास्थ्य केंद्र भावरे एहा को प्रतिष्ठा करबा दिगरे प्राथमिकता दिया जाय छी। तबे जेउटी अनवरत बिजुली सुविधा जल जोगाण ऑक्सीजन पाइपलाइन इत्यादि सुविधा थी सही प्रकार हॉस्पिटल को लागी नुआ अत्याधुनिक मॉड्यूलर हॉस्पिटल तैयारी करा जाय पारिबो। एहा द्वारा कोविड विरुद्ध रे लड़िबा पई जेउटे स्वास्थ्य भित्तिभूमि रा अभाव रहिछि ताहा पूर्ण होई पारिबो। केंद्र सरकार एति पई आवश्यक अर्थ खर्च करबा सहित कॉर्पोरेट फंडिंग पास सीएसआर पांठिर मध्य व्यवस्था करा जाउछि। हॉस्पिटल गुड़ी को विभिन्न राज्य रे प्रतिष्ठा हेबाकु थिवारु ए बाबत रे अधिक संक्रमण थिबा राज्य गुड़ी को सहित कथावार्ता जारी रहिछि। आसंता 25 वर्ष पर्यंत कार्यक्रम रही परिबो हॉस्पिटल एहा एक प्रकार पोर्टेबल हॉस्पिटल होइतिबारु गोटी स्थानरु एहा को उठाई अन्य कोनसी स्थान को नै हबो जेउति पई मात्र एक सप्ताहरु कम समय लागिबो। मेडिकैब हॉस्पिटल नामरे ए नुवा चिंताधारा को आईआईटी माड्रास ओ अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन रो मिलित उद्योग रे परिकल्पना करा जाय छी। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। बुलेटिन समय छै एक छोट ब्रेक रो। ब्रेक परे स्वागत। लोकों को सुरक्षित रखुचि कोरोना टीकार गोटे डोज। गोटे डोज नहीं व्यक्ति को 98% संक्रमण विपद ना चंडीगढ़ पीजीआई अध्ययन यह खुलासा होपर देश में अगर बड़ बड़ हस्पिटाल यहाँ रिसर्च आरंभ हो लोक सुरक्षित रखुचि कोरोना टीकार गोटे डोज। गोटे डोज नहीं व्यक्ति को 98% संक्रमण विपद ना अध्ययन है बड़ खुलासा। जदि आपण कोरोना टीकार गोटे भी डोज नहीं तेज आपण को संक्रमण होबार 98% विपद ना चंडीगढ़ पीजीआई डाक्तर अध्ययन बड़ खुलासा हो। चंडीगढ़ पीजीआई डाक्तर रिसर्च केन्द्र सरकार द्वारा सारा देश में चलता टीकाकरण अभियान को बड़ बल जगह केन्द्र स्वास्थ्य मंत्रालय अधिकारी सूचना अनुसार चंडीगढ़ पीजीआई जो रोगी मैंने कोरोनार गोटे डोज नहीं जो मैंने दुईट जाक डोज देते से अध्ययन करते समय अध्ययनकारी जानवाक जो रोगी मैंने कोरोनार प्रथम डोज देते से संक्रमण विपद मात्र 2% रही से दुईट जाक डोज नहीं संक्रमण विपद मात्र 2% देखाला। अर्थात टीकार गोटे डोज नेवास कोरोना संक्रमण बचार संभावना 98% अधिक हो जाए। केन्द्र स्वास्थ्य मंत्रालय रे देशर टीकाकरण उपर नजर रखा कमिटी मुख्य डाक्टर एनके अरोरा निजर प्रतिक्रिया रखिंट कोरोना टीकार प्रथम डोज नेवापर लोके संक्रमण सुरक्षित हमारे किंतु यार मान नुहे देश में चलता टीकाकरण डोज शेड्यूल कौन परिवर्तन कर टीकार प्रथम डोज आमको सुरक्षित रखुचि किंतु द्वितीय डोज देवा द्वारा इम्यूनिटी मजबूत होता है आंटीबॉडी भाइरस विरुद्ध संपूर्ण रूपे लड़बारे सक्षम होता है। चंडीगढ़ पीजीआई रिसर्च देशर अन्य बड़ बड़ हॉस्पिटल एवं कॉर्पोरेट हॉस्पिटल अध्ययन आरंभ हो। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। सबड़े आयुष मंत्रालय पक्षर पिलां कोरोना गाइडलाइन जारी हो घर बाहर को गले मास्क और हाथ धोवा निहाती जरूरी 5-18 वर्ष वयस्कों पर मास्क बाध्यतामूलक करपरी 2-5 वर्ष वयस्कों पर
बड़ों तत्वावधान में मास्क पिंधा जावाई गाइडलाइन कहुई शिशु भल नन मेडिकल किंबा तीन लेयर फैब्रिक मास्क पिंधापी कहुई कोरोना काल में यथासंभव पिलाने घरे रहा उचित यह समय बाह्य भ्रमण ठूँ संपूर्ण दूरे रुहतु तेरे पिलाने संक्रमण लक्षण देखागले वयस्कों ठूँ दूरे रखु पिला चारु अधिक दिन ज्वर रही डाक्तर परामर्श दिखाँ पिला शरीर में जलीय अंश उपर नजर रखु शरीर में अक्सीजेन लेवल 95% तलू रे डाक्तर को देखा आयुष वाल क्वाथ हल्दी क्षीर च्यवनप्रश खाइबा को परामर्श दि जाए कोरोना काल में पिला ड्रेस रहा खेल स्थान में सानिटाइजेशन को अधिक गुरुत्व दि जाऊँगी विशेषज्ञ मान द्वारा प्रस्तुत एक सविशेष डॉक्यूमेंट ए दिगरे जारी करा जहाँ कोविड 19 संक्रमण पिला निरापद रखा निम्ते गाइडलाइन भली काम दबो एही डॉक्यूमेंट रे कोविड 19 महामारी समय रे पिलांक पई घरोई जत्न मार्गदर्शिका एवं पिलांक सुरक्षा निमन्ते आयुष डाक्तरों निमन्ते विभिन्न परामर्श मध्य कुआ जायछि। तीन मास परे अनलॉक होउछि राजधानी दिल्ली आजिटु राजधानी रे खोलुछि मॉल एवं बाजार 50% ग्राहकों सहित रेस्तरा गुड़ी को खोलिबा को अनुमति दिया जायछि। सरकारी ऑफिस गुड़ी करे 100% ग्रुप ए ऑफिसर आसवा को मध्य अनुमति दिया जायथिबा बेले 50% अन्य कर्मचारी ऑफिस आसी परिबे सेबडे 50% क्षमता रहिबो। दिल्ली रे मेट्रो एवं बस सेवा आरंभ होईछि। विवाह उत्सव किमा अंतिम संस्कार कार्य रे 20 रु अधिक लोक एकाठी होई परिबे नै बोली कुआ जायछि। सेपरि यात्री संख्या कटकणा सहित ऑटो टैक्सी को मध्य अनुमति मिलिछि। धार्मिक स्थल खुला रहिबा को अनुमति मिलथिबा बेले श्रद्धालु को मना करा जायछि। एति सहित समस्त राजनीतिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि पूर्वपरि बंद रहिबा को थिबाबेले स्विमिंग पूल स्टेडियम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एवं जिम सेंटर आदि बंद रहिबो। कमुथिबा संक्रमण को दृष्टि रे रखी कटकणा कोहळ करिसेंती उत्तराखंड सरकार। राज्य सरकार स्थानीय लोकों पाई चार धाम यात्रार अनुमति प्रदान करिसेंती। राज्य सरकार कटकणा कोहळ नै सोमवार घोषणा करिसेंती। यहास चामोली रुद्रप्रयाग एवं उत्तरकाशी बासिंदा को चार धाम स्थली बद्रीनाथ केदारनाथ एवं गंगोत्री यमुनोत्री यात्रा पाई अनुमति प्रदान करा जाय छि। तबे यात्रा पाई नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट अत्यंत जरूरी। सेपटे राज्य रे कोरोना कर्फ्यू को जून 22 पर्यंत बढ़ाईछेंती राज्य सरकार। देशर विभिन्न जिले में 850 ऑक्सीजन प्लांट प्रतिष्ठा करा जायछि। डीआरडीओ पक्षर एवं सूचना दि जायछि। कोरोनार द्वितीय लहर समय देशर ऑक्सीजन चाहिदा को नजर रखी केन्द्र सरकार पीएम केयर फंड्रु यह सब ऑक्सीजन प्लांट प्रतिष्ठा नहीं घोषणा करते। डीआरडीओ सचिव डाक्टर सतीश रेड्डी कहते आवश्यकता अनुजाई डीआरडीओ समस्त सहयोग जगह। कोरोना समय डीआरडीओ पक्षर देशर विभिन्न सहर में अस्थायी मेडिकल खोला जाता यहाँ भविष्य में आवश्यकता स्थल में आहरी अधिक फ्लाइंग हॉस्पिटल प्रतिष्ठा करा जो बोली डीआरडीओ सचिव जनाइछन। समय हुई बुलेटिन एक छोट ब्रेक रहा। ब्रेक पर स्वागत। भूताणु हराउछि संक्रमण क्षमता शक्ति हराउछि भाइरस संक्रमण हार कमिबा सह भाइरस लोड भी कमिछि। आईएलएस निर्देशक अजय परिडा कहिछन्ति सिटी वैल्यू पूर्वरु 14-15% रहुथिला एबे 28 पाखापाखि रहुछि। सरकार अनलॉक प्रक्रिया को गले लोके कटकणा मानिबा आवश्यक रहिछि नहले पुणी थरे संक्रमण बढ़ी पारे। कोविड कटकणा टीकाकरण एवं भाइरसर परिवर्तित संक्रमण थर्ड वेव उपरे निर्भर करिबो। वायरस रो म्यूटेंट परिवर्तन होउची आगु को भी परिवर्तन होई पारे बोली कहिसेंती आईएलएस निर्देशक अजय परिडा। पीक समय रे पहुंचितला सेकंड वेव रे सेतेबेले हमकु बहुत कम सिटी वैल्यू मिलुतला जेमिते 14 15 16 आर भीतर मिलुतला किंतु एबे जो सैंपल गुडा टेस्ट होउची तार जो सिटी वैल्यू टा बढी की 27-28 किबा 30 पाखा पाखी पळेला जोटा की अपन जे कहउछन जे वायरस लोड टा इन्फेक्शन जो एबकार इन्फेक्शन रे बहुत सरोटा कम अछि। लॉकडाउन अनलॉक प्रक्रिया तो गोटा नियमित प्रक्रिया ड्यूरिंग पेंडेमिक्स सेटा परिस्थिति को आकलन करके सेटा निष्पत्ति निया जाए तेणु बर्तमान आपण मैंने जानते सरकार ए संपर्क में संपूर्ण भाव सचेतन अच्छा से भी बारंबार मैंने नियमित भाव समीक्षा कर एवं आवश्यक पड़े ये पदक्षेप ने अनलॉक पदक्षेप ने। रज अवसर में टीकाकरण अभियान को जन आंदोलन में परिणत करने ओडिशावासी को आह्वान देखते केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान।
रज उत्सव में ओडिशावासी को कोविड नियम मानिबा को अनुरोध करिछंती। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्व में जून 21 आरंभ होता मागणा टीकाकरण अभियान को एक जन आंदोलन करने को केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान आह्वान देते। कोरोना महामारी कारण आम समस्ते घरे रही रज पालन करुछु। वर्तमान समय रे मास्क पिंधिबा टीका नेबा आम पाई हेउछि बड़ दायित्व। सामाजिक दूरता रक्षा करिबा सफा सुतुरा रहिबा तथा कोरोना सचेतनता पालन करिबा आम पाई हेउछि सुरक्षा कवच। कोरोना विरुद्ध लड़ाई करिबा पाई समस्त देशवासी को टीका अभियान रे शामिल हेबा पाई देशर लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी आह्वान करिछंती। जून 21 रु आरंभ होतुवा भारत सरकार को द्वारा मागणा टीका अभियान रे समस्ते शामिल हेबा को अनुरोध करुछि। निजे टीका नेबा सह अन्य मानको मध्य टीका नेबा पई प्रवर्तैबा पई निवेदन। आसंतु COVID-19 रो समस्त नियम को मानि घरे रही एथर रज पर्व को स्वतंत्र करिबा। एही गणपर्व समस्त जीवन रे आनंद आनी दो या महाप्रभु श्री जगन्नाथ का निकट रे कामना। नमस्कार, जय जगन्नाथ, वंदे उत्कल जननी। महिला सशक्तिकरण क्षेत्र में सृष्टि हला इतिहास। प्रथम थर पर नंदा देवी पर्वत श्रृंग में मुतयन हेले महिला सुरक्षाकर्मी। कांचनजंगा भारत सर्वोच्च पर्वत श्रृंग होता बेले द्वितीय सर्वोच्च पर्वत श्रृंग होची नंदा देवी। घंच जंगल पूर्ण थिबा बेले अनेक हिंस्र जंगली जंतु बासस्थान होची नंदा देवी पर्वत एवं यार श्रृंग। तबे सही भयंकर परिवेश डराई पारिनी भारत साहसी महिला सुरक्षाकर्मी को। सेठारे एबे जंगल एवं जंगली जीवजंतु को जगिबार गुरु दायित्व बहन करिसेंती तीन जन महिला। महिला सशक्तिकरण क्षेत्र रे सृष्टि हला इतिहास। प्रथम थर पई नंदा देवी पर्वत श्रृंग रे मृतयन हेले महिला सुरक्षाकर्मी। समुद्र पतन ठारु 14,500 फुट उच्चरे करिबे प्रहरा कार्य। भारतर द्वितीय बृहत्तम पर्वत श्रृंग नंदा देवी जहार उच्चता 25,000 फुट रु अधिक। जंगल और जीवजंतु को सुरक्षा देवे महिला सुरक्षाकर्मी। कांचनजंगा भारत सर्वोच्च पर्वत श्रृंग होता बेले द्वितीय सर्वोच्च पर्वत श्रृंग होउछि नंदा देवी। घंच जंगल रे पूर्ण होइतिबा बेले अनेक हिंस्र जंगली जंतुक बासस्थान होउछि नंदा देवी पर्वत एवं एहार श्रृंग। सेठा को जीवा जेतिकी विपदपूर्ण सेठी रहिबा ताठारु मध्य अधिक भयंकर। तबे सेही भयंकर परिवेश डराई पारिनी भारतर साहसी महिला सुरक्षाकर्मी को। सेठारे एबे जंगल और जंगली जीवजंतु जगिबार गुरुदायित्व बहन करिसेंती तीन जन महिला। 32 वर्ष वयस्क दुर्गा सती, 25 वर्ष वयस्क रोशनी नेगी, 33 वर्ष वयस्क ममता कंबासिंग को गत सप्ताह रुसेटारे मृत्युन करा जायछि। प्राय एक मास हेब सेति पई निजको प्रस्तुत करी आसुतिले एही तीन जन महिला। सेमानको 14,500 फुट उच्चतारे थिबा जंगल अंचलरे ट्रेकिंग ट्रेक बा प्रहरा कार्य करिबाको पड़िबो। कारण नंदा देवी पर्वतर से उच्चता पर्यंत जंगल थिबा बेले ता उपर अंचल बरफावृत रही थाए। एही पर्वत श्रृंगर उच्चता 25,000 फुट रु अधिक। साधारणतः देशर महिला वनरक्षकंकु कोनसी पर्वतर 11,150 फुट पर्यंत जिबाकु अनुमति मिलिथाए। मात्र एही तीन जन वनरक्षक एही उच्चतार उपरकु जाई जंगल और जीवजंतु को सुरक्षा देबाकु साहस करिसेंती। नंदा देवी पर्वतर एही उच्चतारे विभिन्न प्रजातिर बाघ, हिमालय भालू, नील गाई भली दुर्लभ प्रजातिर वन्य जीव बास करुथिबा बेले अनेक प्रजातिर दुर्लभ औषधीय वृक्ष मध्य सेठारे मिलिथाय। एपरि विपज्जनक स्थानरे प्रहरा व्यवस्था कोहळ थिबारु अनेक समयरे शिकारी माने एहार फायदा उठाई वन्य जंतु शिकार करिथांती। एबे एही तीनि जण साहसी महिला सेठारे प्रहरा देबार दायित्व नेइथिबारु शिकारी आउ शिकार करिबाकु साहस करिवेनि बोली आशा करा जाउछि। एमाने देशर अन्य महिला वनरक्षकंक पई निश्चय एक आदर्श सृष्टि करिसेंती बोली कुहा जाय पारे। ब्युरो रिपोर्ट, आर्गस न्यूज। समय सरिछि, बुलेटिन कैटर किबा। नमस्कार।